हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड यू आर वाचिंग विद्यास्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th एनसीईआरटी इकोनॉमिक सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का थर्ड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इकोनॉमिक्स के इस फर्स्ट चैप्टर के दो वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने पालमपुर विलेज के ओवरव्यू की बात की, यानी पालमपुर में सोशल कंडीशन कैसा है और इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, और वहाँ के लोगों की फार्मिंग एक्टिविटीज किस तरह की हैं, और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बेसिक फैसिलिटीज की भी हमने बात की। उसके बाद हमने अपने सेकंड लेक्चर में बात की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की, पालमपुर में जो प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे चलता है और कैसे वर्क करता है और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर हमने उसमें बात की कि लैंड फिक्स है, यानी कि पालमपुर में जो प्रॉब्लम है उसको इंडिया के प्रॉब्लम से पूरी तरह से कनेक्ट करते हुए हमने पढ़ा। ठीक, तो ये हमने दो टॉपिक्स पढ़े हैं, और इस टॉपिक में आज के इस थर्ड वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि किन मेथड से हम खेती की प्रॉब्लम जो है कि लैंड एक प्रॉब्लम हो रही है जिससे प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम कौन से मेथड अपना सकते हैं, यानी मेथड्स टू इम्प्रूविंग फार्मिंग और द मेथड्स टू इम्प्रूव द फार्मिंग प्रोडक्शन। जी हाँ, प्रोडक्शन को बढ़ाने के, फार्मिंग को अच्छा करने के, बेहतर करने के जो तरीके हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है कि वेज टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। एक ही लैंड से, यानी जितनी लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसी लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे लिया जाए, कैसे क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए लैंड को लिमिटेड रखते हुए। इसके पहले ही वीडियो हमने पढ़ा था कि लैंड फिक्स है, लैंड की बहुत प्रॉब्लम है, इंडिया में लैंड बढ़ नहीं पा रही है। जितना भी लैंड था 1950 में, हमने पढ़ा कि लैंड का जो एरिया था उस वक्त, उसमें 1950-1960 में जो लैंड का एरिया था वो 120 मिलियन हेक्टेयर था, लेकिन उसके बाद भी बहुत समय बाद भी 2010-11 तक लैंड में सिर्फ 20 मिलियन हेक्टेयर का ही इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी कि 140 मिलियन हेक्टेयर टोटल लैंड है इंडिया में, जो हमने पालमपुर की कंडीशन से कंपेयर किया था। तो इसका मतलब ये साफ साफ कंक्लूजन है कि इंडिया में लैंड क्या है, बिल्कुल लिमिटेड है। ना कि सिर्फ इंडिया में, पालमपुर में भी, बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी लैंड क्या है, लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड लैंड पर ही ज्यादा खेती कैसे की जाए, उस कम जमीन पर ही ज्यादा प्रोडक्शन कैसे लिया जाए, खेत में ज्यादा अनाज कैसे उगा जाए, कैसे क्रॉप को ज्यादा उगा लिया जाए, उसी टेक्निक्स को, उसी मेथड को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उन मेथड्स में से कुछ ऐसे मेथड है जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक से ज्यादा फसल उगाना, इरिगेशन पैटर्न, यानी जिस तरीके से हम खेत में पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, उस पैटर्न को चेंज करना या जैसा चल रहा है उसमें कुछ चेंज लाना। तीसरा, HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी अच्छी क्वालिटी के बीज, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चौथा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, और पुराने मेथड्स को छोड़ के नए मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड्स है उनको अपना कर हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो हमारे सामने कुछ मेथड्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फार्मिंग मेथड्स को चेंज करके या इन मेथड्स को अपना के कैसे हम क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने से पहले, उसके मेथड्स को पढ़ने से पहले, हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना क्यों है। आपको क्लियरली पता होगा कि हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या हो रही है, लगातार धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और धीरे धीरे नहीं, इनफैक्ट फास्ट ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, जिसे हम तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कंट्री की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही फास्ट रेट से बढ़ रही है, जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है, यानी अनकंट्रोल्ड रेट से देश की पॉपुलेशन, दुनिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हमारे कंट्री में है कुछ ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसे समय पर ध्यान देना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो पॉपुलेशन बढ़ना कोई गलत बात नहीं होती, पॉपुलेशन बढ़ने से कोई पॉपुलेशन बढ़ना अपने आप में गलत काम नहीं है, बट पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। पॉपुलेशन बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉपुलेशन बढ़ना एक ऐसी एक्टिविटी है जो दूसरी प्रॉब्लम्स को अपने साथ लाता है। जैसे सिंपल से एग्जांपल हम आपको छोटी फैमिली के थ्रू एग्जांपल समझाते हैं। चार लोगों का परिवार है ना, एक हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे, और फिर एक और दूसरा परिवार है छह लोगों का, हस्बैंड वाइफ और उनके चार बच्चे। तो आप कंपेयर कीजिए, जो दो बच्चे वाला परिवार है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकता है, क्योंकि दोनों की इनकम अगर सेम है, दोनों की इनकम 8,000 है, 8,000 पर मंथ कमाते हैं, तो जिसके दो बच्चे वो अपने बच्चों को क्या करेगा, अच्छे स्कूल में भेज सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें दो ही बच्चों की फीस भरनी है, दो ही बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म, दो ही बच्चे की बुक्स कॉपी, और दो ही बच्चे के ऊपर सारा हेल्थ फैसिलिटीज, पैसा खर्च करना है। जबकि जिनकी फैमिली सिक्स बच्चों की, यानी सिक्स मेंबर्स की फैमिली, चार बच्चों वाली फैमिली है, उन्हें क्या करना होगा, ज़्यादा अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने में अनेबल होंगे। क्यों? कि उन्हें चार लोगों की फीस भरनी होगी, चार बच्चों के स्कूल बैग, कॉपी किताब, इन सब का खर्चा उठाना होगा, मेडिकल फैसिलिटी, और लेकिन इनकम तो सेम है। तो यही प्रॉब्लम होती है पॉपुलेशन बढ़ने से। तो पॉपुलेशन अपने साथ प्रॉब्लम्स अराइज करता है।
जिस फैमिली में चार लोग हैं उनको खाने के लिए कम राशन चाहिए, है ना, कम अनाज में खाना खा लेंगे वो लोग, जबकि छह लोगों के परिवार को ज्यादा अनाज, ज्यादा सब्जियां, है ना, हर चीज ज्यादा लेके, ज्यादा कपड़े, ज्यादा पैसा, ज्यादा पानी, है ना, हर रिसोर्स को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और हम जानते हैं कि अर्थ पे वाटर भी लिमिटेड है, ऑक्सीजन भी लिमिटेड है, और साथ ही साथ जो हम रिसोर्सेज देख रहे हैं, फूड वगैरह, मिनरल्स, ये सब भी क्या है, लिमिटेड है। तो ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो अपने आप कमी हो जाएगी और क्या होगा, फिर प्रॉब्लम अराइज होगी। तो यही बात है कि पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। मेन प्रॉब्लम जो आप देखेंगे ना कि एग्रीकल्चर लैंड लिमिटेड है, वो नहीं है मेन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन बढ़ना है। अगर लैंड आपके पास कम है तो आप कम में पॉपुलेशन रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन हमारे पास लैंड भी कम हो पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो यही दिक्कत है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, लैंड जो है कम पड़ती जा रही है, लैंड कम पड़ रहा है लेकिन खाने की डिमांड बढ़ती जा रही है, खाने की डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन कम होते जा रहा है, क्योंकि हमारे खेतों की फर्टिलिटी भी कम होते जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी टेक्निक अपनानी पड़ेगी जिससे हमारे खेती की प्रोडक्शन बढ़े और हम बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर पाए, और हम क्या कर पाए, एग्रीकल्चर को सस्टेन कर पाए, चला पाए खेती को। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि मेथड्स टू ग्रो मोर प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट मेथड है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, सेम ही लैंड पर, सेम लिमिटेड लैंड पर क्रॉप प्रोडक्शन अगर ज्यादा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला मेथड जो अपनानी है उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। जी हाँ, मल्टीपल यानी एक से ज्यादा, ढेर सारी, है ना, और क्रॉपिंग मतलब फसल होगा ना। तो क्या होता है, जब लैंड लिमिटेड होती है, जब भी किसानों के पास लैंड लिमिटेड होती है, कम जमीन होती है, लेकिन फिर भी उन्हें ज्यादा फसल उगानी होती है, तो वो क्या करते हैं, एक साथ कई फसलें उगाते हैं, या फिर एक ही साल के अंदर एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाते हैं ना, क्या करते हैं, ड्यू टू लिमिटेड लैंड फार्मर्स ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन ए ईयर। आपको इस बात को ध्यान रखना है जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं, ड्यू टू लिमिटेड लैंड फार्मर्स ग्रो मोर देन वन क्रॉप, क्या करते हैं फार्मर्स, ये हम सिर्फ हमारे इंडिया के फार्मर्स, पालमपुर के फार्मर्स की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के फार्मर्स की बात कर रहे हैं, पालमपुर में भी सेम ही होता है। ड्यू टू लिमिटेड लैंड फार्मर्स ग्रो मोर देन वन क्रॉप, है ना, ग्रो मोर देन वन क्रॉप, है ना, एक से ज्यादा फसल उगाते हैं इन ए ईयर ऑन सेम लैंड, उसी जमीन पर एक से ज्यादा तरह की फसलें उगा लेते हैं ना, एक से ज्यादा क्रॉप उगाते हैं साल भर के अंदर, कौन करता है, ये फार्मर्स करते हैं ना, उनके पास लैंड कैसी है, लिमिटेड है, हेंस फार्मर्स ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन ए ईयर ऑन सेम लैंड। तो इसलिए लैंड लिमिटेड है तो किसान क्या करते हैं, एक ही उसी जमीन पर एक से ज्यादा क्रॉप उगा लेते हैं, जैसे 4 महीने में कोई और फसल उगाई, फिर अगले 4 महीने कोई और फसल लगाई, फिर अगले 4 महीने कोई और फसल लगा दी, है ना, जैसे क्रॉप क्रॉप का सीजन होता है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप, है ना, रबी खरीफ जैद की क्रॉप में, अभी इसके बाद में अभी आपको डिटेल में समझा देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बहुत ही क्लियरली, इसमें आपको डिटेल में बताया तो नहीं गया, फिर भी आपको क्लियर कर देंगे। तो पहले बात तो आप ध्यान रखिए कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं, कि जब लैंड लिमिटेड होती है तो किसान सेम लैंड पर एक से ज्यादा तरह की क्रॉप उगा लेता है, है ना, व्हेन ड्यू टू लिमिटेड लैंड फार्मर्स ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर ऑन ए सेम लैंड, एक ही जमीन पर किसान एक से ज्यादा फसल उगाता है एक साल के अंदर, उसे ही क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और इस तरह की खेती करना प्रोडक्शन बढ़ाने का सबसे कॉमन मेथड है, दिस इज द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन, क्या बढ़ाने का, प्रोडक्शन बढ़ाने का, तो इंक्रीज प्रोडक्शन दिस इज द मोस्ट कॉमन वे, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो ये सबसे कॉमन तरीका है, सबसे सही तरीका और सबसे आम बात है, अक्सर लोग यही करते हैं, सारे किसान अपनी खेती का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यही कार्य करते हैं जिससे उनकी खेती में प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मेथड है ना, इसमें समय भी कम लगता है, मतलब 21 साल के अंदर कई फसलें उगा ली जा रही हैं, और साथ ही साथ उसी लैंड के ऊपर, तो लैंड को बार बार तैयार करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, और लैंड खाली भी नहीं रहता उनका, ऐसा कुछ जगहों पे कैसा होता है कि किसान एक ही फसल निकलता है साल भर में, तो क्या करता है 6-7 महीने की एक फसल उगाता है, बाकी के 4-5 महीने फसल खेत पूरा तरह से खाली जाता है, वेस्ट होता है लैंड, है ना। तो लेकिन अगर इस तरह के मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो मल्टीपल क्रॉपिंग करने से लैंड खाली नहीं जाएगा, तो क्या होता है किसान क्या करते हैं, लिमिटेड जमीन की वजह से एक से ज्यादा क्रॉप उगा लेते हैं एक साल के अंदर, ठीक, और ये सबसे कॉमन तरीका है क्या करने का, क्रॉप को बढ़ाने का, है ना, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने का सबसे कॉमन तरीका है। तो पालमपुर के किसान भी यही काम करते हैं, पालमपुर के किसान भी क्या करते हैं, कई तरह की फसलें उगाते हैं, जैसे रबी क्रॉप उगाते हैं, खरीफ क्रॉप उगाते हैं, खरीफ में वो लोग राइस उगा लेते हैं, है ना, और
वो लोग रबी में वीट उगा लेते हैं, इस तरह की फसलें उगाते हैं, और जैद में कुछ वेजिटेबल्स वगैरह उगा लेते हैं। और तो और खाली समय में वो शुगर कैन भी लगाते हैं, कुछ किसान लोग शुगर कैन भी लगाते हैं पालमपुर के। और फिर वो शुगर कैन को क्या करते हैं, पास के विलेज में जो रायगंज है, शाहपुर है टाउन, वहाँ पर लेकर जाते हैं, वहाँ शुगर कैन शुगर मिल है, वहाँ बेच देते हैं, उनका शुगर कैन बिक जाता है। कुछ लोग गन्ने से गुड़ जैगरी भी बनाते हैं, तो उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है, वो भी पास के मार्केट में बिक जाता है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के काम करते हैं कौन, पालमपुर के फार्मर्स लोग। अब इस कंडीशन से आप रिलेट कर दिए पूरे इंडिया की कंडीशन, यानी इंडिया के लगभग सभी गांव में यही कंडीशन होती होगी। वो लोग भी इसी तरह की फसलें उगाते हैं, क्योंकि वहाँ भी लैंड तो लिमिटेड है, तो वो लोग भी इसी तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग करते होंगे, इस तरह से रबी खरीफ और जैद की फसलें उगाते होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी उगाते होंगे, जैसे शुगर केन हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ताकि उसे बेच कर ज़्यादा पैसा कमाया किया जा सके, या फिर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की जा सके। तो इस तरह की क्रॉपिंग होती है। तो अब आपको बता देते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या होता है, उसमें जो रबी खरीफ जैद की फसलें होती है ये क्या होती हैं, किस सीजन में कैसे उगाए जाते हैं, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम आपको समझा देते हैं, ये क्लियर कर देते हैं कि कैसे मल्टीपल क्रॉपिंग परफॉर्म होती है, कैसे एक ही साइज में सीजन वाइज एक से ज्यादा क्रॉप उगाया जाता है खेतों में। तो देखिए, कंडीशन कुछ ऐसी होती है, तीन तरह के क्रॉप्स होते हैं, तीन सीजन में उगाए जाते हैं। एक होता है खरीफ क्रॉप, ये उगाया जाता है रेनी सीजन में। कब उगाया जाता है? रेनी सीजन में, ठीक, आपको ध्यान रखना। ये है, दूसरा होता है रबी क्रॉप, ये उगाया जाता है विंटर सीजन में। कौन से सीजन में? विंटर सीजन में। और जो जैद क्रॉप है वो उगाया जाता है कब? समर सीजन में, ठीक। अब आपको अंदाजा लगाना है कि रेनी सीजन कब होता है, विंटर सीजन कब होता है, समर सीजन कब होता है। जो रेनी सीजन है वो शुरू होता है जून जुलाई से, है ना, जून जुलाई से शुरू होता है, और कब तक चलता है? जून जुलाई से लेके ये पूरा लगभग लगभग अक्टूबर नवंबर तक चलता है। कब तक चलता है? अक्टूबर और नवंबर तक। यानी खरीफ क्रॉप जो लगाई जाती होगी वो कब से कब तक लगाई जाती है? जून जुलाई से स्टार्ट करते हैं और अक्टूबर नवंबर तक लगाते होंगे। फिर ये फसल एक बार कट गई तो उसी खेत में, खेत को फिर से तैयार करके कौन सी फसल लगाई जाती है? रबी क्रॉप लगाई जाती है ना। रबी क्रॉप जो है विंटर में लगती है। अब विंटर कौन सा शुरू होगा? जब जैसे ही रेनी खत्म होता है हमारा विंटर शुरू हो जाता है, यानी कि ये भी उसी टाइम पे शुरू होता है, यानी कि ये होगा नवंबर दिसंबर, ये लगभग क्या होगा? नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर से शुरू होता है। नवंबर दिसंबर से शुरू होता है तो इसको भी आप तीन चार महीने जोड़ लीजिए, तो चार महीने के लगभग क्रॉप होता है समर सीजन के जस्ट पहले। तो समर सीजन कब स्टार्ट होता है हमारा? मार्च में। तो भी कब तक चलेगा? फरवरी मार्च तक चलेगा। यानी कि ये भी कब तक चलने वाला है? मार्च तक, लगभग फरवरी मार्च तक, है ना। ये भी कब तक चलेगा? फरवरी से मार्च तक चलेगा। ये हमारा क्या होता है? विंटर सीजन होता है। और फिर बचा हुआ समर सीजन, यानी कि समर सीजन में कौन सा समय चलता है हमारा? अप्रैल टू, हम इसको मई कर सकते हैं, अप्रैल टू मई, है ना, अप्रैल टू मई, या फिर जून तक भी चलता है, जब तक खेत खाली रहेगा। तो आप एक अंदाजा लगाइए, तीन तरह के क्रॉप्स होते हैं, तीन सीजन, तीन सीजन होते हैं, क्रॉप तो अलग अलग टाइप के होते हैं, तीन सीजन, तीन सीजन होते हैं। एक होता है खरीफ सीजन, जिसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, इसमें ये कब लगाया जाता है? रेनी सीजन के टाइम पे, जब बरसात शुरू होती है जून जुलाई से, ठीक है ना। आप इसको याद रखने, बड़ी शॉर्ट टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है, KRZ, खरीफ रबी जैद। कब से स्टार्ट होता है? जब से आपके स्कूल का सेशन स्टार्ट होता है। स्कूल का सेशन कब स्टार्ट होता है हमारा? जून जुलाई में, बिल्कुल उसी तरह से, है ना, स्कूल का सेशन जून जुलाई, तो खरीफ भी जून जुलाई में स्टार्ट होता है। फिर चार चार महीने जोड़िए, चार महीने इसमें जोड़िए आप, जून जुलाई अगस्त, जुलाई से जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर, चार महीने, अक्टूबर नवंबर में देख लीजिए इसको काट देते हैं, फिर अक्टूबर नवंबर में इसको लगाते हैं, नवंबर देख लीजिए रबी क्रॉप। अब इसको भी चार महीने जोड़िए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, चार महीने जोड़ लिया, फरवरी मार्च देख लीजिए, अप्रैल मई में इसको लगाते हैं, है ना, फरवरी मार्च इसका एंडिंग है, चार चार महीने का इनका क्रॉप चलता है। तो एक ही साल में एक ही लैंड के ऊपर तीन तरह की फसलें उगा ली गई ना। खरीफ क्रॉप में क्या किया जाता है? ज्वार या बाजरा उगाया जाता है, ज्वार बाजरा, है ना, क्या उगाते हैं? ज्वार बाजरा या फिर वीट उगाया जाता है, सॉरी वीट नहीं, राइस, क्या उगाया जाता है? राइस, ज्वार बाजरा राइस, इस तरह की फसलें उगाई जाती है। कब? खरीफ क्रॉप, है ना, खरीफ सीजन में। और ये जो फसलें हैं उनके कैटल को फीड करने काम आता है। पालमपुर के लोग क्या करते हैं, इस तरह की ज्वार बाजरा फसलें उगाते हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर, है ना, महाराष्ट्र में भी एमपी में भी ज्वार बाजरा खिलाया जाता है बैलों को, कैटल्स को, जो भी गाय वगैरह होती हैं, जो बैल होते हैं, है ना, उस समय में जो भी उगा लिया जाता है फसल, वो जानवरों के खाने के काम भी आता है, साथ ही साथ बाजरा और ज्वारी जो है उसकी भी रोटियां बनती है, उसको भी किसान लोग अपने खाने के इस्तेमाल में लाते हैं। इसी टाइम पे राइस भी उगाया जाता है, चावल, तो राइस अपने खाने के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं उगा के, यानी मान लीजिए 100 किलो उगाया और उनको सिर्फ 50 केजी लगता है खाने के लिए, तो 50 केजी रख देंगे, बाकी 50 केजी बाजार में बेच देंगे, तो उससे उनको इनकम जनरेट हो जाएगी। तो ये खरीफ में ऐसा होता है। उसके बाद फिर रैनी, उसके बाद जो खरीफ सीजन जो हो खत्म हो गया, उसके बाद आर वाला यानी कि रबी सीजन, रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप में क्या लगाया जाता है? वीट, इसमें गेहूं लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसमें? वीट, इसमें उगाया जाता है अधिकतर तो वीट ही उगाते हैं, सारे पालमपुर वाले मैक्सिमम लोग वीट उगाते हैं, गेहूं, और
इसी में इस खरीफ के बाद ही, जैसे कि खरीफ क्रॉप के जस्ट फॉलोड होता है जो सीजन आता है खरीफ क्रॉप में, कई कई फार्मर दो फसल लगा लेते हैं। खरीफ जैसे स्टार्ट हुआ जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, तो अगस्त सितंबर में फसल काट लेके उसी में पोटैटो लगा देते हैं, पोटैटो है ना, वो भी 2-3 महीने चलता है पोटैटो ग्रोप हो जाता है, तो दिसंबर तक पोटैटो भी आता है। इसी सीजन में दो तरह की क्रॉप उगा लेते हैं, एक ही सीजन में दो क्रॉप, राइस ज्वार बाजरा साथ ही साथ पोटैटो भी उगा लेते हैं। कौन लोग? पालमपुर के लोग है ना, पोटैटो भी ग्रो अप कर लेते हैं, आपको ध्यान रखना है ठीक। वो भी बाजार में बेचा जा सकता है, अपने खाने के लिए रख लिया जाएगा, बाकी खुद के कंजम्पशन के लिए रख लिया जाएगा, बाकी बाजार में सोल्ड आउट कर देगा, बाजार में बेच दिया जाएगा। कौन करेंगे? ये लोग पालमपुर वाले ठीक है। उसके बाद जो रबी क्रॉप है, अब रबी क्रॉप में भी वीट उगाया जाता है, वीट जितना भी होगा सबके सब तो किसान खाएगा नहीं, अपने खाने के लिए अपने कंजम्पशन के लिए, द फार्मर कीप द क्रॉप सो मच क्रॉप दैट आर सफिशियंट फॉर देम, है ना, उनके सेल्फ कंजम्पशन के लिए जितना क्रॉप चाहिए वो खुद रख लेते हैं, बाकी बाजार में सोल्ड आउट बेच देते हैं। तो ये हो गया हमारा रबी क्रॉप का सीजन। उसके बाद जो टाइम बच जाता है गर्मी का समय, यानी बरसात शुरू होने से पहले और ठंडी खत्म होने के जस्ट बाद, गर्मी में जब थोड़ी पानी की कमी होती है, तो उस समय में कोई बड़ी फसल तो उगाई नहीं जा सकती, वीट या राइस जैसी, उसको बहुत सारा इरिगेशन, बहुत पानी लगता है। तो इरिगेशन के अभाव में क्या किया जाता है, छोटे छोटे प्लांट्स उगाए जाते हैं, या तो ग्रीन फॉडर हरा चारा उगाया जाएगा ताकि उनके जानवर खा सके, क्योंकि वैसे भी गर्मी के समय में घास फूस ज्यादा उगती नहीं है, तो चारे की कमी हो जाती है ठीक। तो किसान अपने खाने के लिए, अपने बैलों के पशुओं को खाने के लिए, अपने कैटल्स को, जानवरों को खाने के लिए जो उगाना के लिए चारा रहता है, जिसे फॉडर कहते हैं, FODER, फॉडर चारा, वो उगा लेते हैं खेतों में, या फिर वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, सब्जियां, क्योंकि सब्जियां बहुत जल्दी 2 मंथ में ही रेडी हो जाती हैं, 2 मंथ में उसमें फ्रूट्स लगने लगते हैं, वेजिटेबल्स लगने लगते हैं प्लांट में ठीक है। तो वो जो वेजिटेबल्स लगते हैं जैसे कि ब्रिंजल हो गया, पंपकिन, लौकी, बॉटल गार्ड है ना, बिटर गार्ड, करेला, लौकी, इस तरह की फसलें, इस तरह की वेजिटेबल्स उगा लिए जाते हैं जैद क्रॉप में, वही पास के मार्केट में शाहपुर में या रायगंज में बेच के आ सकते हैं ठीक। और कुछ पार्ट ऑफ लैंड तो बचा के रखा जाता है पर ईयर, ताकि उसमें शुगर कैन जैसी चीजें लगाई जा सके। शुगर कैन लगाएंगे तो क्या होगा, या तो सीधा गन्ना बेचाएंगे पास के मार्केट में शाहपुर या रायगंज में, या फिर उस गन्ने से गुड़ बनाया जाएगा, जैगरी बना लिया जाएगा ठीक है, अक्सर रूरल एरिया में ऐसा होता है, तो जैगरी बनाकर क्या किया जाता है, फिर बेच दिया जाता है। तो इस तरह से फार्मर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाता है, किसकी मदद से, इन सीजनल वाइज यानी मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से। तो एक ही लैंड से इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, मान लीजिए वो साल भर में सिर्फ चावल उगाता या गेहूं उगाता सिर्फ, तो साल भर में इतनी फसल उगा पाता, पर यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग करने की वजह से, खरीफ, रबी, जैद, तीन तरह की सीजन में तीन तरह की फसलें उगाने की वजह से कितनी सारी फसलें उगा पा रहा है, शुगर कैन भी उगा सकता है, राइस, ज्वार, बाजरा, इनमें से भी कुछ उगा सकता है, वो चाहे तो पोटैटो भी लगा सकता है ना, वीट भी उगा लेता है, साथ ही साथ अगर समर टाइम में टाइम मिलता है उसको, समर सीजन में, तो क्या कर सकता है, वेजिटेबल्स भी उगा सकता है, अपने जानवरों को खाने के लिए चारा यानी कि ग्रीन फॉडर भी उगा सकता है। तो इस तरह के फायदे हैं मल्टीपल क्रॉपिंग के ठीक है। तो ये हमने देखा ये किया जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग में। तो दिस इज द मेथड, दिस इज द वे टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन थ्रू द मेथड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। जी हाँ, मल्टीपल क्रॉपिंग की मदद से क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के सबसे अच्छा तरीका है, तो आपने सीजन वाइज समझ लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि क्यों मल्टीपल क्रॉपिंग इतनी सक्सेसफुल है, व्हाई मल्टीपल क्रॉपिंग इज सो मच सक्सेसफुल, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग करने से इतना ज्यादा फायदा कैसे हो जाता है, चलिए हम उसकी बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें मल्टीपल क्रॉपिंग की फुल इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, हमने भी पढ़ लिया कि मल्टीक्रॉपर क्रॉपिंग कैसे की जाती है और वो सीजन वाइज कैसे एक ही सीजन में ढेर सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, पर्टिकुलर सीजन में किस तरह के पालमपुर वाले क्रॉप्स उगाते हैं, अपने खाने के लिए बचाते हैं और बाजार में बेचते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ने के बाद अब हम ये बात करते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग इतना सक्सेसफुल क्यों है, व्हाई मल्टीपल क्रॉपिंग इज सो सक्सेसफुल इन पालमपुर विलेज। पालमपुर विलेज में मल्टीपल क्रॉपिंग सक्सेसफुल क्यों है, इसका जानकारी हम लेते हैं। तो देखिए, जो भी रीजन है मल्टीपल क्रॉपिंग के सक्सेसफुल होने का, पहले तो आप मल्टीपल क्रॉपिंग समझिए, एक से ज्यादा फसल उगाना एक ही साल के अंदर ठीक है। अब दूसरी बात कि ये सक्सेसफुल क्यों है, तो द पालमपुर विलेज हैज ए वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। वन वर्ड के लिए याद रखिए, द पालमपुर विलेज हैव वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, इसी वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, सक्सेसफुल ठीक। द पालमपुर विलेज हैज ए वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, दैट्स व्हाई द मल्टीपल क्रॉपिंग इज सक्सेसफुल इन पालमपुर। और ये कंडीशन आप पालमपुर की जगह पूरी इंडिया से जोड़ लीजिए, जिस भी इंडिया के एरिया में ज्यादा अच्छा इरिगेशन सिस्टम होगा वहां पे मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होगी, अपने आप ऑब्वियसली सक्सेसफुल होगी ही होगी। तो यही बात यहां भी कही गई है कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो हमने पढ़ा उसके सक्सेसफुल होने का कारण क्या है, कि पालमपुर विलेज में क्या है, बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है। अब सवाल ये आता है कि वहां पर इतना वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम कैसे है, इतने अच्छा पानी देने की सुविधा है कैसे पालमपुर में। तो उसका जवाब ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल क्रॉपिंग सक्सेसफुल है,
अब मल्टीपल क्रॉपिंग के सक्सेसफुल होने का कारण क्या है? वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम। मल्टीपल क्रॉपिंग सक्सेसफुल होने का कारण क्या है? वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम। अब वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम का कारण क्या है? इतना अच्छा वेल डेवलप जो सक्सेसफुल इरिगेशन सिस्टम, उसका कारण क्या है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिक्वेंस वाइज याद रखिए, आपको तीन सवाल यहां पर हो गए है ना, ठीक। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है हम पढ़ लिए। मल्टीपल क्रॉपिंग के सक्सेस होने का कारण क्या है? वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम, जवाब मिल गया। सवाल ये आता है कि ये वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम क्यों है, तो इसका भी जवाब ये है कि पालमपुर में अवेलेबिलिटी है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। जी हाँ, वहां पे लाइट रहती है, बिजली रहती है ना, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहां पर बहुत अच्छे से मोटर चल जाते हैं, टरबाइन चलते हैं, पंप चल जाता है पानी के, पंप कुएं में से फटाफट पानी दिया जा सकता है, नहर में से या फिर तालाबों में से, डैम में से आसानी से पानी दिया जा सकता है किसो खेतों में। तो वहां के किसान अपने फसल को सूखने नहीं देते, फटाफट इरिगेशन कर देते हैं, पानी दे देते हैं, तो उनकी फसलें अच्छी उगती हैं। तो यही रीजन है क्या मल्टीपल क्रॉपिंग के सक्सेसफुल होने का, वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम होने का, साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होने का। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? इट इज द मेन रीजन बिहाइंड द डेवलप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेवलप सिस्टम ऑफ इरिगेशन? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन रीजन बिहाइंड द वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम ऑफ पालमपुर। ये जवाब हो जाएगा हमारा, ठीक। तो यहां पर आप दो बातें क्लियर रखिए कि मल्टीपल क्रॉपिंग के सक्सेसफुल होने का पहला कारण क्या, तो मल्टीपल क्रॉपिंग के सक्सेसफुल का रीजन क्या है? द वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम। फिर दूसरा सवाल यह आता है कि इतने अच्छे वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम इन पालमपुर? तो उसका जवाब क्या होगा? द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन रीजन बिहाइंड द वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम ऑफ पालमपुर। ये भी जवाब हो गया, ठीक। पहले क्या होता था, पर्शियन व्हील से, जिसको रहट बोलते होंगे, आपने देखा होगा ऐसा एक चक्के जैसा बनाया रहता है जिसमें इस तरह टब की तरह लगा होता है, अगर आपने गौर से देखा होगा, मेरे ख्याल से आपको याद हो, आपने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस में आपने फर्स्ट चैप्टर एट्थ में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, जिसमें पर्शियन व्हील था जिसको रहट बोलते हैं, ये कुएं में लगा रहता था, इसको बैल खींचते थे और ऐसा गोल गोल घूमता था, इसमें टब जैसा लगा रहता था, फिर वो गोल घूम के ऐसा टब जैसा रहता था, ऐसा पानी में ऐसा जाता था, ऐसा गोल घूम के ऐसा उठता था, इसके अंदर पानी भरता था, बाहर ऐसा पानी गिराता था, तो इसको पर्शियन व्हील बोलते थे, यानी कि रहट बोलते थे हिंदी भाषा में, जिसको हटा के अब क्या ला दिया गया है, ट्यूबवेल आ गया, क्योंकि रहट बैलों से चलता था, कैटल से, अब ट्यूबवेल किससे चलते, इलेक्ट्रिसिटी से, बटन दबाया, मोटर चालू हुआ और फटाफट पानी खेत में जाना शुरू। तो ये बहुत आसान हो गया, पहले पर्शियन व्हील से बहुत स्लो इरिगेशन होता था, बहुत छोटे छोटे खेतों को ही पानी दे पाते थे, लेकिन अब ट्यूबवेल आ गया है तो वो मिनटों में ही घंटों में ही पूरे खेत में इरिगेशन कर देता है ना, बड़े बड़े खेतों में भी इरिगेशन कर देता है, यानी लार्ज एरिया ऑफ लैंड कुड बी इरिगेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूबवेल्स, व्हाइल पर्शियन व्हील वाज एबल टू इरिगेट ओनली फ्यू हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ओनली स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, यानी छोटी छोटी जमीन को ही इरिगेशन कर पाने में, पानी दे पाने में सक्सेसफुल था कौन, ये पर्शियन व्हील। लेकिन जब से ट्यूबवेल आया है तब से क्या हो गया है, बड़े बड़े लैंड भी, इनफैक्ट जो मैक्सिमम लैंड है पालमपुर की, वो क्या है, खेत इरिगेटेड हो गई है, हर कोई हर किसान क्या करता है, अपने खेत में इरिगेशन कर पाता है। तो ये हमने बात कर ली है इन सब की, ठीक। तो ट्यूबवेल से गवर्नमेंट ने क्या किया है, हेल्प किया ट्यूबवेल इंस्टॉल करने में, पर्शियन व्हील की जगह ले ली है ट्यूबवेल्स ने, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मोटर ट्यूबवेल बोरिंग जिसको बोलते हैं ना, बोरवेल, जमीन में खोदते हैं गहरा गड्ढा, पाइप लगा होता है जिसमें मोटर फिट करके पानी बाहर निकाला जाता है, देखा होगा आपने, ठीक। जैसे हमारे हैंडपंप में होता है, गवर्नमेंट हैंडपंप होता है ना बड़ा सा, देखा होगा आपने, उसमें करते हैं बिल्कुल वैसे ही बोरवेल। और ट्यूबवेल्स जो है कुछ गवर्नमेंट ने भी इंस्टॉल कर दिए, गवर्नमेंट ने भी क्या किए, आसपास के उन एरियाज में ट्यूबवेल इंस्टॉल कर दिए, जिसके पास खुद का पैसा है उसने प्राइवेटली क्या किया, ट्यूबवेल इंस्टॉल करवा लिया, और गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया, जो नहीं एबल थे खुद का ट्यूबवेल इंस्टॉल करवाने में, गवर्नमेंट ने उनके खुद के लिए क्या कर दिया, ट्यूबवेल इंस्टॉल करवा दिया कि इससे कोई भी इरिगेशन कर सकता है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये इरिगेशन फैसिलिटी देने से, ट्यूबवेल इंस्टॉल कराने से, गांव में जितना भी लैंड था, पूरे गांव में, विलेज पालमपुर में 200 हेक्टेयर का लैंड था, और 200 हेक्टेयर का एरिया पूरा इरिगेशनल लैंड बना दिया गया। मान लीजिए गर्मी के समय में पानी नहीं मिलता, तो गर्मी के समय में जैद क्रॉप उगाई जा सकती है क्या, नहीं, पानी नहीं तो क्रॉप नहीं। ठंडी के समय में बारिश नहीं होती तब भी पानी नहीं, तब वहां पर रबी क्रॉप उगाई जा सकती है क्या, नहीं। यानी वहां का किसान, जिस किसान के पास सिर्फ और सिर्फ बरसात के समय का पानी है, यानी कोई ट्यूबवेल नहीं है, कोई मोटर नहीं है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल उगाएगा, खरीफ वाली, उन्होंने सिर्फ ज्वार बाजरा या फिर क्या उगाएगा, राइस उगाएगा बस, उसके अलावा बाकी सीजन तो उसका खेत पूरा खाली रहने वाला है, वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर ही नहीं सकता। पर अगर ट्यूबवेल्स हैं,
पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम है यानी कि ट्यूबवेल्स इंस्टॉल है, तो क्या होगा, हर किसान जिसके पास पानी, जिसका खेत पानी वाले के पास में है या पानी की नहीं भी है, यानी वो भी ट्यूबवेल लगा के क्या कर सकता है, खेत में फसल उगा सकता है। पहले बरसात के समय तो खेत में फसल लगती थी, पर जब पानी नहीं था तो वो खाली रहते थे खेत, बट अब तो ट्यूबवेल है, अब जब बारिश नहीं होगी तो हम ट्यूबवेल से पानी देंगे, ट्यूबवेल से इरिगेशन देंगे, तो ठंडी के मौसम में और गर्मी के मौसम में भी खेतों में पानी दिया जा सकता है, जिससे जो लैंड है वो मल्टीपल क्रॉपिंग के लायक बिल्कुल बन गई है। तो ट्यूबवेल इंस्टॉल करके पूरे गांव के पालमपुर विलेज जो 200 हेक्टेयर एरियाज को 1970s में गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्यूबवेल लगाया, और 1970s तक पालमपुर विलेज के 200 हेक्टेयर लैंड को, पूरा का पूरा लैंड है जितना खेती वाला जमीन था पालमपुर में, सब कैसा बना देगा, कल्टीवेशनल लैंड बना देगा, सबके ऊपर मल्टीपल क्रॉपिंग होते हैं, सारे किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, क्योंकि अब उनके पास गर्मी के समय भी पानी अवेलेबल है, किस वजह से, ट्यूबवेल की वजह से। तो ये गवर्नमेंट का काम है, ट्यूबवेल इंस्टॉल करना लोगों का काम है। तो इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग सक्सेसफुल हुई है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मल्टीपल क्रॉपिंग के सक्सेसफुल होने का कारण क्या है, तो वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम ऑफ द पालमपुर। फिर सवाल ये आता है कि पालमपुर में जो वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम है उसका कारण क्या है, द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन रीजन बिहाइंड द वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम। तो ये दो जवाब आपको ध्यान रखना है, वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम और अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या हो गया है, बहुत आसान हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग कहां पर, पालमपुर रूप में, विलेज में। अब इसी कंडीशन को आप पूरे इंडिया के कंडीशन से कंपेयर कर लीजिए कि पालमपुर में इस तरह से काम हो रहा है तो इंडिया के लगभग सभी प्लेसेस पे, विलेजेस में, रूरल एरियाज में ऐसे ही वर्क हो रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, मल्टीपल क्रॉपिंग हमारा पहला मेथड था क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने का, सेम लैंड में क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने का पहला मेथड था मल्टीपल क्रॉपिंग, और वो इतना सक्सेसफुल कि हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे मेथड की, जिससे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, वो हमारा दूसरा मेथड है इरिगेशन पैटर्न। जी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है उसे हम कहते हैं इरिगेशन पैटर्न, यानी हम जो सिंचाई करते हैं खेत में, इरिगेशन देते हैं, पानी देते हैं फसलों को, उसका पैटर्न किस प्रकार का है, कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है, और वो किस तरीके से हम बनाएंगे तो अपने आप प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसी की हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, अगर हम पालमपुर विलेज की बात करें तो इरिगेशन पैटर्न ऑफ पालमपुर में भी कंपेयर्ड टू विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, पालमपुर का जो इरिगेशन पैटर्न है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के अदर पार्ट्स, यानी जिस तरह के पालमपुर विलेज में फैसिलिटी है, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है, अच्छा वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम है, अब इसी का कंपेरिजन हम इंडिया के अदर विलेजेस से, अदर पार्ट से करते हैं, तो पार्ट कंपेयर करने पता चलेगा कि सारे जो पार्ट्स हैं इंडिया के, लगभग सभी विलेजेस, जैसे पालमपुर है, सभी विलेजेस वैसे हाईली इरिगेटेड नहीं है, यानी ऑल विलेजेस इन इंडिया डू नॉट हैव ए हाई लेवल ऑफ इरिगेशन सिस्टम इज इन पालमपुर। जैसा सिस्टम वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम पालमपुर में है, वैसे इंडिया के सभी गांव में ऐसा सिस्टम नहीं है, यानी सभी गांव के पास खेती करने के लिए ज्यादा पानी नहीं है पालमपुर की तरह। पालमपुर तो लकी है कि वहां पर इतना अच्छा वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम है, लेकिन इंडिया के मैक्सिमम गांव में अभी भी ये सिस्टम नहीं है। ठीक, तीसरी बात ये, अपार्ट फ्रॉम कोस्टल, अब ये जो भी इंडिया के कुछ ऐसे इलाके हैं जो नदी के किनारे आते हैं, रिवर लाइन प्लेन्स, नदी के किनारे हैं, या फिर कोस्टल रीजन है, समुद्र के किनारे हैं या नदियों के किनारे आ रहे हैं, तो कोस्टल रीजन वाले इलाके और साथ ही साथ रिवर लाइन प्लेन्स है, नदियों के किनारे वाले इलाके, इन इलाकों में पानी की कमी नहीं है, यहाँ पर अच्छा इरिगेशन हो जाता है, लेकिन उन इलाकों को छोड़ के और पालमपुर जैसे विलेजेस को छोड़ के बाकी सारा एरिया जो है वो वेल इरिगेटेड नहीं है, वो लेस इरिगेटेड है, वो अभी भी उनको जो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए मल्टीपल क्रॉपिंग करने के लिए वो मिल नहीं पाता है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में अभी भी पीछे हो रहे हैं, खेत है उनके पास लेकिन सुविधा भी सब कुछ है, बस वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक, अबाउट लेस देन 40% ऑफ टोटल कल्टीवेटर लैंड ऑफ द कंट्री इज इरिगेटेड, और पूरा कंपेयर करने से पता चलता है कि सिर्फ 40% से भी कम, अबाउट लेस देन 40% एरिया ऑफ टोटल कल्टीवेबल लैंड, खेती करने का जितना भी जमीन हम लोग के पास है इंडिया में, अगर मान लीजिए 100 एकड़ है तो 100 एकड़ में से सिर्फ 40 एकड़ ऐसा लैंड है इंडिया में जो क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ खेती के जिस पे इरिगेशन अच्छा मिल रहा है, खेती बाकी पे भी हो रही है पर इरिगेशन अच्छा मिल रहा है, यानी ज्यादा प्रोडक्शन किस परसेंटेज लैंड पे होगा, सिर्फ 40% पे, क्योंकि इन्हीं 40% लोगों के पास क्या अच्छा इरिगेशन सिस्टम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी भी इंडिया के मैक्सिमम जो कल्टीवेशनल लैंड है 60% एरिया अभी भी ऐसा है जो अच्छा इरिगेशन सिस्टम नहीं है, जहां पर वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम नहीं है पालमपुर की तरह। तो हमें इसी सेक्टर में, इसी फील्ड में सुधार करने की जरूरत है।
अगर हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, जैसे कि पालमपुर में बढ़ा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उस एरिया का वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम, यानी इरिगेशन सिस्टम को डेवलप्ड करना होगा। इरिगेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी अच्छी करनी पड़ती है, समय से बिजली रहे, ज़्यादा बिजली रहे, और साथ ही साथ बिजली रहेगी तो उनके साथ ट्यूबवेल जैसी सुविधाएं भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके क्या हो सकता है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो हमने कंपेयर किया कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो पहला मेथड है क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने का। फिर दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि जो इरिगेशन पैटर्न है उससे हम क्रॉप प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने पढ़ा इरिगेशन पैटर्न में कि पालमपुर के इरिगेशन पैटर्न को हम कंपेयर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के इरिगेशन पैटर्न से। तो उससे हमें पता ये चलता है कि जैसे पालमपुर में वेल इरिगेशन सिस्टम है, वैसा इंडिया के सभी विलेजेस में वेल इरिगेशन सिस्टम नहीं है। हमने देखा कि पालमपुर में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था जबकि ऑल ओवर इंडिया में नहीं हो पा रहा था। पालमपुर में तो इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, और कुछ एरिया जैसे कि रिवर लाइन प्लेन्स और कोस्टल रीजन है, समुद्र किनारे और नदियों के किनारे वाले जो इलाके हैं वहाँ पर तो खेती अच्छी हो जा रही है, वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम अच्छा है। लेकिन जो दूसरे पार्ट है, डेक्कन वाले हैं, प्लेट्यूज हैं, साउथ के प्लेट्यूज हैं, ये जो एरियाज हैं यहाँ पर अच्छा इरिगेशन नहीं हो पा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अबाउट 40% ऑफ टोटल कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया इज ऑनली वेल इरिगेटेड, यानी सिर्फ 40% से भी कम इलाका इंडिया का ऐसा है खेती करने वाला इलाका जिस पर अच्छा इरिगेशन सिस्टम है। यानी कि अभी भी 60% से ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जो क्या हैं, वेल इरिगेटेड नहीं है, यानी वहाँ पर आज भी प्रोडक्शन कम ही हो रहा है। तो हमें उन एरियाज में इरिगेशन सिस्टम अच्छा करना होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही बात हमने सीखी है। तो हमने दो मेथड्स पढ़ लिए हैं क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के, मेथड्स टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन ऑन द सेम लैंड। पहला मेथड पढ़ा हमने मल्टीपल क्रॉपिंग, फिर हमने उसमें पढ़ा कि मल्टीपल क्रॉपिंग तो सक्सेसफुल क्यों है, फिर दूसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन पैटर्न। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर हमने पढ़ा वेज टू ग्रो मोर ऑन द सेम लैंड, जी हाँ, सेम जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे किया जाए, जिसमें हमने चार मेथड्स की बात की थी कि मल्टीपल क्रॉपिंग और ना उसके बाद इरिगेशन पैटर्न, और फिर हमने बात किया उसमें कि HYB सीड्स का इस्तेमाल करके, और साथ ही साथ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है जिसमें से हमने मल्टीपल क्रॉपिंग और साथ ही साथ इरिगेशन पैटर्न के बारे में पूरे अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, जिससे हमने मल्टीपल क्रॉपिंग के सक्सेसफुल होने के रीजंस भी पढ़े कि पालमपुर में अच्छी वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है इससे सक्सेसफुल है। फिर हमने पढ़ा कि वेल डेवलप्ड सिस्टम क्यों है इरिगेशन वाला, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी भी है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर हमने कंपेयर किया कि इरिगेशन पैटर्न कैसा है पूरे इंडिया में, तो हमने पाया कि पालमपुर में अच्छा है जबकि इंडिया के 60% से ज्यादा पार्ट में इरिगेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, सिवाय कोस्टल एरियाज और रिवर लाइन प्लेन्स को छोड़ के। तो ये हमने इतनी सारी चीजें आज की वीडियो में पढ़ी हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आई होप कि आपके वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो डाउट कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपके डाउट दूर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। विद्या स्थली वाले सर।